अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं सादिया, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ कबाब। चले हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 1.5 किलो हम ताज़ा कीमा ले लेंगे। अभी हम एक ब्लेंड मशीन लेंगे, उसमें हम प्याज और हरी मिर्च डालकर ब्लेंड कर लेंगे। और फिर हम उसको कीमे में शामिल कर लेंगे। फिर हम हरी प्याज लेंगे, उसको बारीक काटें या फिर ब्लेंड करें और फिर वो कीमे में शामिल कर देंगे। अभी हम सूखा धनिया और जीरा लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मीडियम आंच पर हम भून लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर फिर हम उन दोनों चीज़ों को दरदरा कूट लेंगे। अभी हम अदरक लेंगे और उसको हम कूट लेंगे। फिर हम उसमें लहसुन शामिल करेंगे, फिर उसको भी हम पीस लेंगे। अब दोनों चीज़ों को हम कीमे में शामिल कर लेंगे। अभी हम सब मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम दरदरा कूटा धनिया और ज़ीरा शामिल कर लेंगे। अब हम उसमें गरम मसाला डालेंगे, गोश्त मसाला डालेंगे और उसके बाद हम कबाब मसाला डालेंगे। अब हम दादर मिर्चें डालेंगे। अब हम एक अंडा डालेंगे। अब हम बेसन शामिल करेंगे। अब हम हल्दी शामिल करेंगे। अब हम नमक डालेंगे। अब हम टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे। अब हम ताज़ा कटा धनिया शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दस से 15 मिनट आप फ्रिज में रख दें। अभी हम एक पैन लेंगे और उसमें हम घी गरम कर लेंगे और जैसे शेप चाहते हैं आप उसको आप कबाब बना सकते हैं। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है खाने के लिए तैयार हैं। जैसे चाहें आप खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आप बर्गर बना के खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और इसके साथ सैलड और चटनी हो या केचप हो, जो आपका दिल करे। अल्लाह करे आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।